स्टूडेंट्स टू आईआईटीएम्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसको हमें एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए हमें इन जनरल ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, 1 - x^n का जो एक्सपेंशन होता है वो हमको पता होना चाहिए। यहाँ पर पावर 5 है तो हम इसको पावर 5 हम भी इसको लेकर के चलेंगे। तो ये पावर 5 है, अब ये आपका हो जाएगा 5c0, ठीक है, -5c1x, और x की जो पावर है ये कंटिन्यूअसली आपकी बढ़ती रहेगी, +5c2x2। जहां पर भी आपकी x की पावर इवन होगी वहां पर साइन पॉजिटिव होगा, जहां पर x की पावर आपकी ऑड होगी वहां पर साइन नेगेटिव होगा, -5c3x³ + 5c4x⁴ - 5c5x⁵। अब देखिए एक्चुअली में ये आपका कैसे होता है, कैसे हमारा नेगेटिव साइन आता है, कैसे हमारा पॉजिटिव साइन आता है। तो देखिए इसके लिए हम इसके पहले, इसको जानने से पहले हम ये फॉर्म एक्सपेंशन पढ़ते हैं, 1 + x^5, ठीक है, इसका एक्सपेंशन हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका माइनस है तो हम यहां पर क्या करेंगे, प्लस लगाकर इसको ब्रैकेट में अंदर माइनस कर देते हैं। इसको ब्रैकेट में माइनस कर दिया हमने अंदर, ये आपका हो जाएगा 5c0 - 5c1। ये आप इसको प्लस लेकर के चलिए और ये आपका -x + 5c2 ब्रैकेट में -x² + 5c3 ब्रैकेट -x³ + 5c4 ब्रैकेट -x⁴ + 5c5 -x⁵, ठीक है। अब सुनिए आप, देखिए जहां पर भी x की पावर आपकी ऑड है, ठीक है, तो ऑड होने पर साइन आपका नेगेटिव आया, ठीक है। देखिए ये सेकेंड इंटरवल में -x⁵ है, ठीक है, तो ये आपका माइनस आ जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि -x⁻² है तो ये हमारा साइन हमारा पॉजिटिव आ गया, और ये -x⁻ नेक्स्ट टर्म में -3 है तो ये साइन हमारा नेगेटिव आ गया। फिर उसके बाद यहां पर आपकी इवन है तो ये आपका साइन पॉजिटिव आ गया, लास्ट में आपकी पावर ऑड है तो ये साइन हमारा नेगेटिव आ गया। आप देखिए इसको देख लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5c0, ठीक है, यहां पर कुछ नहीं होगा, -5c1 × 2x, ठीक है। देखिए अब इसको भी हम करें तो हम इसको प्लस करके ब्रैकेट में माइनस लेकर के भी कर सकते हैं, बट वो टाइम आपका ज्यादा ले जाएगा और टाइम बहुत कीमती होता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं। तो बेटर ये है कि आपने जैसे 1 + x⁴ का, आप 1 + x⁴ का एक्सपेंशन अगर याद कर ले जाते हैं तो बस आप इतना ही ध्यान रख लीजिए, आप 1 + x⁴ का पूरा एक्सपेंशन आप खोल लीजिए और उसके बाद जहां पर भी आपको x की पावर और दिखे वहां पर प्लस की जगह पर माइनस कर दीजिए, इतना आपको करना होगा। अगर आप नहीं याद करना चाहते हैं तो, और याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, +5c2 और ये आपका कितना हो जाएगा, 2x² -5c3 2x³ + 5c4 2x⁴ -5c5 2x⁵, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके लिख देंगे, तो देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा, ये तो हमारा 1 आ जाएगा और 5c1 आप सॉल्व करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी 5 मिलेगी, ठीक है, तो ये आपका -10x हो जाएगा। 5c2 हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्चुअली में हमें ncr पता होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू
एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो n की जगह पर 5 है, r की जगह पर 2 है, तो ये आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर लेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 ही हो जाएगा और ये आपका 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल 2, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो लेकिन ये तो 5 आएगा, ठीक है, ये आपका 5 आ जाएगा, सॉरी ये आपका 5C1 आपका 5 आएगा। ठीक है, प्लस कितना है 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 4x2, ओके, माइनस अब 5C2 और 5C3 आपके इक्वल होंगे क्योंकि आपको मैंने कॉन्सेप्ट में बताया है NCR इज इक्वल टू होता है NCN-R होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो ये आपका माइनस 10 इंटू और ये कितना हो जाएगा 8x³ हो जाएगा। ठीक है, फिर 5C4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका 5C4 की वैल्यू 5 हो जाएगी और ये आपका कितना हो जाएगा 16x⁴ माइनस ये आपका 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू और 2⁵ कितना हो जाएगा 32, तो 32x⁵। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको 1-5x प्लस 40x² माइनस 80x³ प्लस 80x⁴ माइनस 32x⁵। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ये हमारा आंसर है, इसको नोट